हेलो गाइस, वेलकम बैक, सुनील ऑटोकार। सो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले इस महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक के बारे में। एंड अभी आप सभी के सामने यहाँ पे स्कॉर्पियो क्लासिक का सबसे लोअर यानी कि बेस मॉडल खड़ा हुआ है। एस दो ही वेरियंट्स भाई साहब आते हैं, एस एंड एस इलेवन। तो ये आप इसका बेस मॉडल देख रहे हैं जिसकी प्राइसिंग यहाँ पे स्टार्ट होती है 13,25,000 से एक्स रूम। एंड डिटेलिंग प्राइसिंग बात करेंगे अभी लोग वीडियो के लास्ट में। बाकी बेस मॉडल है तो देखेंगे थोड़ा आपको फीका फीका सा फील आ रहा है ना। यहाँ पे ग्रिल वगैरह आपको पूरी ब्लैकआउट मिल रही है, नॉर्मल से स्टीलिंग आपको दिया जा रहा है, हेडलैम्स वगैरह भी नॉर्मल से रहेंगे इस वेरियंट के साथ। तो भाई साहब इस वेरियंट को लेने का बेनिफिट ये रहेगा ना कि आप लेके आ लीजिए, आप यहाँ पे बाद में मॉडिफाई करा सकते हैं अपने हिसाब से। क्योंकि भाई साहब बहुत लोग बेस लेके टॉप बना लेते हैं, वो तो भाई साहब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। सबसे पहले आइए चलते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की तरफ, देखते हैं पे क्या खुद दिया गया है। ये रहेगी यहाँ पे इसकी पूरी ब्लैकआउट ग्रिल। यहाँ पे देगा बड़ा सा बटरफ्लाई वाला महिंद्रा का लोगो। हेडलैम्प्स वगैरह आपको नॉर्मल वही हैलोजन बेस देखने को मिलेंगे, लो बीम हाई बीम यहाँ पे देख सकते हैं दोनों चीज़ें। नीचे यहाँ पे रहेगी इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट। बाकी टॉप में जाएंगे तो वहाँ तो आपको उसमें प्रोजेक्टर्स वगैरह, नीचे LEDs वगैरह, फॉग लैंप्स, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। लोअर ग्रिल की बात करें, पूरी यहाँ पे देखेंगे ब्लैकआउट रहेगी, यहाँ पे रहेगा टोइंग का ऑप्शन। और नीचे का ये रहेगा इसका पूरा फ्रंट इंजन एंड सस्पेंशन सेटअप। तो ये था इसके बेस मॉडल का पूरा फ्रंट फेशियर जो आपने पे देख लिया। ब्लैक कलर में भी आपके सामने खड़ी हुई है ये हमारी कार। यहाँ पे जाएंगे तो एयरडैम वगैरह हो गया, डुअल वाइपर एंड वॉशर की प्लेसमेंट। ऊपर आगे की तरफ यहाँ पे रहेगा इसका ये पावर एंटीना। और इसके बाद जब साइड में देखेंगे तो इस तरह साइड से आपको देखने को मिलेगी ये हमारी कार। ये भाई साहब बेस मॉडल है तो यहाँ पे नॉर्मल से आपको स्टीलिंग दिया गया। जैसे टॉप में जाते हैं तो वहाँ पे आपको अलॉस वगैरह देखने को मिलते हैं 17 इंचेस के। तो मतलब अगर आप भाई मोटा मोटा देखें ना, टॉप मॉडल इसका जाता है 19 से 20 लाख, ये वाला भी आपको पड़ेगा 15.5 से 16 लाख। 4 लाख आप सीधा सीधा बचा रहे हैं। अगर आप आफ्टर मार्केट ये काम कराएंगे ना तो मान के चलिए मतलब 2 से 3 लाख में आपकी बेस टू टॉप हो जाएगी ये हमारी कार। साइड प्रोफाइल ये यहाँ पर रहने वाली बेहतरीन सी इस गाड़ी की। डायमेंशन की अगर बात कर ले इस कार की, तो आपको इसमें वही 4456 मिलीमीटर की इस गाड़ी के यहाँ पे लेंथ, 1820 mm की इसकी विथ एंड 1995 mm की इस कार के यहाँ पे हाइट देखने को मिल जाएगी। एंड व्हील बेस आपको इसमें भी मिलता है 2680 mm का। तो ये थी यहाँ पे इसकी डायमेंशन। आगे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे बड़े सा दिया गया एमहॉक का इंजन मिलेगा, तो उसके यहाँ पे बैजिंग इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे फेंडर पे ही देखने को मिल जाएंगे। ORVM सेम बॉडी कलर, हालांकि आपको मैनुअली एडजस्टेबल एंड मैनुअली फोल्डेबल देखने को मिलेंगे इसके आउटसाइड मिरर्स। और हैंडल्स वगैरह भी देखते हैं तो पूरा मैट ब्लैक फिनिश में। अंदर की बात करें तो अंदर ये आपको दिखाते हैं, ये भाई साहब पूरा डुअल टोन में रहेगा इसका बेस मॉडल। यहाँ पे कोई भी ऑडियो सिस्टम वगैरह नहीं रहेगा, हालांकि चारों पॉइंट्स के यहाँ पे कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे स्टीयरिंग प्लेन सा। और क्या कुछ रहेगा जब गाड़ी के अंदर बैठेंगे तब आपको दिखाएंगे डिटेल में। इसको करते बंद, बी पिलर्स वगैरह भी देख रहे हैं सेम बॉडी कलर। यहाँ पे भाई साहब आपको इसका मिलेगा फ्यूल कैप फिलर, यहाँ से आप इसमें डलवाएंगे डीजल। 60 लीटर आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है इस कार की। रियर में यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स, आगे डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं इस कार के साथ। अब आइए चलते हैं इसके बैक प्रोफाइल की तरफ, यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ रहेगा इस कार में। ये रहने वाली इस महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक की पूरी यहाँ पे बैक प्रोफाइल। सबसे पहले इधर देखते हैं तो स्कॉर्पियो क्लासिक एस वेरिएंट है, तो यहाँ पे देखेंगे उसकी बैजिंग। यहाँ पे इसकी बैकलाइट्स वगैरह, इसमें भी स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग दी गई है। ऊपर आएंगे तो बेस मॉडल में कोई भी यहाँ पे आपको रियर वाइपर डिफॉगर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे जाते तो हाई माउंट स्टॉप लैंप, हैंडल वगैरह अगेन मैट ब्लैक फिनिश में। और नीचे यहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे रिफ्लेक्टर्स वगैरह दिए गए, टोइंग हुक वाला यहाँ पे दिया गया है, 2 यहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे इसके बम्पर में। बाकी फुट स्टेप वगैरह है। नीचे यहाँ पे देखेंगे तो इसके स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट, उधर यहाँ पे रहेगा इसका ये एग्जॉस्ट पाइप। तो ये आपने देख लिया नीचे का। अब बात करें अगर इसके भाई साहब लास्ट वाली रो की, तो आइए चलते हैं। इसमें आपको 7 सीटर 9 सीटर 2 सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये भाई साहब इसका पूरा डोर, यहाँ पे इसका डोर ओपनर, यहाँ पे दिया गया इसका हैंडल, इस तरह रहेगा इसका सीटिंग अरेंजमेंट। तो भाई साहब इंटरफेस सीटिंग अरेंजमेंट आपको मिलेगा बैठने का, आराम से बैठ जाएंगे। तो आइए अंदर चल के देखते हैं। इस तरह आप यहाँ पे बैठने वाले, मतलब दो लोग बैठ जाएंगे भाई, एक तो मैं यहाँ पे बैठ गया, एक सामने बंदा। अगर दोनों मेरे हाइट के बैठेंगे तो घुटने वगैरह हालांकि टच होंगे, बच्चे लोग तो आराम से यहाँ पे इसमें एडजस्ट किए जा सकते हैं। इसको चाहें तो हल्का यहाँ पे इसको खोल भी सकते हैं वेंटिलेशन के लिए। बाकी डैशबोर्ड देख लीजिए, पूरा इस तरह यहाँ पे रहने वाला है आगे का। अभी चलेंगे आगे वाली रो में भी बैठ के देखेंगे कैसा कुछ स्पेस रहेगा इस कार में। तो ये सब आपने देख लिया, लाइट दिखा दे, वही पीली वाली यहाँ पे रहेगी। तो आइए हम निकलते हैं गाड़ी के बाहर, फिर हम लोग चलेंगे सेकंड वाली रो पे। अभी इसकी डोर को यहाँ पे कर देते बंद। तो ये आपने देख लिया, इसको बैक से साइड से भी मैंने आपको दिखाई दिया। यहाँ पे भाई साहब फीका फील आ रहा है, उसका रीज़न मैंने आपको पहले ही बता दिया, बेस मॉडल है ना, इस वजह से। एक तरफ आपको वहाँ पे डीजल डलाना है, दूसरी तरफ यहाँ पे आपको जो यूरिया पड़ता है ना इसमें एड ब्लू, वो चीज़ आपको फिल कराना पड़ेगा इस कार में, जैसे कि जानते हैं जो कि भाई सभी गाड़ियों में अभी डीजल वाले में हो गया कंपलसरी। तो अब आइए चलते इसके सेकंड वाली रो में बैठ के देखते हैं कैसा कुछ स्पेस रहेगा। ये नीचे आप देख लीजिए पूरी ब्लैक कलर की काफ़ी मोटी सी यहाँ पे क्लाइडिंग रहने वाली है। खोलते हैं यहाँ पे इसकी डोर को, डोर ट्रिम इस तरह पूरी, यहाँ पे हैंडल, ये रहेगा इसका डोर ओपनर। पावर विंडोज़ यहाँ पे ना देखे वहाँ पे रहेगा जो मैंने अभी आपको आगे चल के दिखाऊंगा।
सीट्स वगैरह यहाँ पे देख लीजिए, ये रहने वाली है। चौड़ाई काफ़ी अच्छी सी है ना, हालांकि फैब्रिक की रहती है, सीट कवर तो यहाँ पे इसमें बाद में लगाए गए हैं। अब आई चढ़ते ऊपर, भाई साहब इतनी हाइट है ना इसकी 1995 मिलीमीटर की, तो चढ़ने में भाई साहब यहाँ पे भाई इसका फुट स्टेप अभी मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी लगे नहीं ना, अगर इतफाक हो तो भाई साहब पैर रखते नीचे इंसान चला जाए। चलिए देख के चढ़ना पड़ेगा। ये भाई साहब आगे का पूरा यहाँ पे डैशबोर्ड का व्यू, ऑडियो सिस्टम वगैरह यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। रियर पैसेंजर के लिए बड़े से यहाँ पे एसी वेंट्स, यहाँ पे दो ग्लास होल्डर्स। अब स्पेस की बात कर लें तो लेग रूम एंड एनी रूम बढ़िया सा रहने वाला है, थाई स्पोर्ट भी एकदम बेहतरीन सा रहेगा इस कार में। यहाँ पे हो गए पॉकेट्स वगैरह, ऊपर जाएंगे वहाँ पे देखेंगे हैंडल, और ये भाई साहब आपको मिलते हैं यहाँ पे एडजस्टेबल, बेसिक मॉडल से एडजस्टेबल दोनों हेडरेस्ट। यहाँ पे भाई साहब आर्मरेस्ट है कि नहीं वो ज़रा सा देखते हैं। तो भाई साहब आर्मरेस्ट यहाँ पे नहीं रहेगा, इसमें कटिंग दी गई हुई है ना, क्योंकि भाई कवर है ना, पीछे हम लोगों ने पे बैठ के देख लिया, तो तीन बंदे यहाँ पे भाई साहब आराम से बैठ जाएंगे इसकी सेकंड वाली रो पे। अब आइए चलते आगे की तरफ, आगे से पूरा कवर करते हैं इस कार को। तो ये यहाँ पे रहेगा इसका पूरा डोर हैंडल, अभी खोलते हैं इसकी डोर को। डोर ट्रिम यहाँ पे देख लीजिए पूरी प्लेन से ही, यहाँ पे हैंडल डोर ओपनर पूरा मैट ब्लैक फिनिश में, और आगे मजंडी से आपको यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा, बाकी यहाँ पे इसके डोर्स में कुछ भी नहीं रहेगा। इस तरह देखेंगे यहाँ पे इनका सीटिंग अरेंजमेंट, एंड ये भाई साहब ना फैब्रिक की यहाँ पे सीट्स रहेंगे, सीट कवर तो एज एक्सेसरीज यहाँ पे लगाए गए इस कार में। सिर्फ सीट रिक्लाइन का ऑप्शन आपको मिलने वाला इस बेस मॉडल के साथ। यहाँ पे देखेंगे तो इसके मैनुअल ट्रांसमिशन के हो गए ABC पैडल, साइड में वहाँ पे रहेगा इसका डेट पैडल, सीट को पीछे खिसकाते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो इसका ये रहेगा आइडियल स्टार्ट स्टॉप का बटन, यहाँ से अपना फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं, फ्यूल कैप, ये रहेगा इसका हेडलैम्प एडजस्टर वाला यहाँ पे स्विच। अब लगाएंगे भाई साहब इसकी चाबी को, तो एक के भाई साहब दोनों ही आपको यहाँ पे नॉर्मल सी डमी फ्लिप की देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे फुट स्टेप वगैरह नहीं है, तो भाई साहब चढ़ने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, बाद में चाहे तो एज एक्सेसरीज यहाँ पे लगवा सकते हैं। तो फाइनली आ चुके हैं यहाँ पे कार के अंदर, ये रहेगा भाई साहब पूरा फीका फीका सा इसका यहाँ पे बेस मॉडल। बेस मॉडल का भाई साहब बेनिफिट सबसे बढ़िया यही यहाँ पे रहने वाला है कि अपने हिसाब से सारी चीज़ें मॉडिफाइड करा सकते हैं, बेस टू टॉप, टॉप से बेस, इस तरह भाई साहब काफ़ी सारा आपको मॉडिफिकेशन मिल जाएगा आफ्टर मार्केट। अब सबसे पहले ऑन करेंगे यहाँ पे इसका इग्निशन, पूरा एनालॉग यहाँ पे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंड जैसे टॉप में जाते हैं तो वहाँ पे आपको स्काई ब्लू कलर की लाइटिंग मिलेगी, यहाँ पे भाई साहब ना थोड़ी येलो टाइप की आपको देखने को मिल जाती है। एंड उससे पहले स्टीयरिंग व्हील की बात की जाए, फैन स्पीड आपने देखा ना भाई साहब एकदम ऑन है फुल ऑन पे। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील से स्टार्ट किया जाए तो यहाँ पे देखेंगे न्यू वाला महिंद्रा का लोगो, कोई भी आपको यहाँ पे इसमें माउंट कंट्रोल्स देखने को नहीं मिलेंगे। एडजस्टमेंट की बात कर लें तो ये भाई साहब वही आपको टिल्ट एडजस्टेबल देखने को मिलेगी इसकी स्टीयरिंग, इसको यहाँ पे करते हैं फिक्स। इस साइड यहाँ पे हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स, यहाँ पे जाएंगे तो वाइपर्स के कंट्रोल्स। अब बात करेंगे फाइनली इसके क्लस्टर के बारे में, इधर रहेगा इसका RPM मीटर, इस साइड स्पीडोमीटर, 180 के यहाँ पे मार्किंग रहती है, बीच में देखेंगे इसकी MID स्क्रीन। तो एक तरफ यहाँ पे आपको टेम्परेचर वाले बार्स मिलेंगे, एक तरफ फ्यूल गेज वाले बार्स, ये दोनों इन्फॉर्मेशन। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन देखनी हो ट्रिप एवरेज माइलेज रेंज वाली, तो ये जो आपको टॉगल मिले ना इसको इस तरह प्रेस करिए, ट्रिप ए, ट्रिप बी, एंड ये सारी ऑडियो वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए स्टीयरिंग व्हील के बाद अब आते हैं डैशबोर्ड की तरफ, ये रहेगा इसका प्रॉपर व्यू। यहाँ पे इस इवेंट्स पूरे ब्लैक फिनिश में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। विजिबिलिटी देखिए भाई साहब, पूरा बम्पर टू बम्पर आप इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे, इतनी अच्छी आपको यहाँ पे इसका बोनट वगैरह विजिबल होगा। नीचे आएंगे पूरा प्लेन साइज को ढक दिया भाई साहब वही प्लास्टिक से, यहाँ पे आप बाद में अपने हिसाब से बढ़िया टच स्क्रीन, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लगवा सकते हैं। बेस मॉडल में ये भाई साहब आपको पूरा प्लेन साइज पे मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं तो मैनुअल एसी के सारे कंट्रोल्स, यहाँ से फैन स्पीड वगैरह बढ़ाइए, तो भाई साहब ऐसा कुछ रहेगा, काफ़ी मतलब चीप टाइप का लगता है वैसे तो देखने में। यहाँ पे हजार लाइट का स्विच हो गया, ये इसका 12 वोल्ट का यहाँ पे देखेंगे चार्जिंग आउटलेट, यहाँ पे छोटा मोटा स्पेस, ये रहेगा इसका 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मैनुअल का ही ऑप्शन देखने को मिलेगा इस कार में, और ये रहेगी इसकी हैंड ब्रेक। चारों भाई साहब पावर विंडोज आपको मिल जा रहे हैं इसके बेस मॉडल में, तो मतलब डोर्स में यहाँ पे ना देखे यहाँ पे प्लेस किया गया है, ये हो गया चाइल्ड लॉक्स। तो इसके बाद इधर के देखेंगे डोर, बाकी एयरबैग्स दो मिलेंगे, एक वहाँ पे दूसरा यहाँ पे। ये भाई साहब फीचर यहाँ पे स्टैंडर्ड रहने वाला है इस स्कॉर्पियो क्लासिक का। ग्लव बॉक्स खोलेंगे तो नॉर्मल सा स्पेस, यहाँ पे बुकलेट वगैरह रखी हुई, बाकी अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग, उधर की डंडी जहाँ से आप अपने ORVM को एडजस्ट करेंगे। ये भाई साहब मैनुअली एडजस्टेबल आपको देखने को मिल जाएगा इसका यहाँ पे IRVM, काफ़ी पतला सा यहाँ पे इसका सनवाइजर देखने को मिलता है। इस साइड यहाँ पे जाएंगे तो वैनिटी मिरर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उधर जाएंगे तो हैंडल वगैरह, ये रहेगा पीछे का बढ़िया सा व्यू जो हम लोगों ने भाई बैठ के कवर कर ही लिया है। तो ये आपने देखा इस महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक के बेस मॉडल का अंदर का पूरा डैशबोर्ड। तो अभी निकलेंगे गाड़ी के बाहर, फिर बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन स्पेक, प्राइसिंग एंड फीचर्स के बारे में। तो आइए सबसे पहले ऑफ करेंगे इसके यहाँ पे इग्निशन को। तो ये आपने देख लिया इसके अंदर का पूरा डैशबोर्ड, अब सबसे पहले इसकी डोर को करेंगे बंद, फिर बात करते हैं
इस गाड़ी के यहाँ पे इंजन स्पेक, प्राइसिंग एंड फीचर्स के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं इसमें आपको मिलेगा 2.2 लीटर का बड़ा सा 4 सिलेंडर एमहॉक डीजल इंजन ऑप्शन, जिसमें आपको 130 बीएचपी की पावर, 300 एनएम का टॉर्क मिल जाएगा। इसी के साथ अब बात करें अगर इसकी प्राइसिंग के बारे में, तो 13,25,000 एक्स रूम इसका यहाँ पे प्राइस रहने वाला है, एंड वे जाएगा 15.5 लाख के आसपास ऑन रोड लखनऊ। सेफ्टी फीचर्स में आपको इस कार में ABS विद EBD, डुअल एयरबैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट वार्निंग, ये यहाँ पे कुछ फीचर्स देखने को मिल जाएंगे इस महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक के साथ। तो यही था आज का हमारा वीडियो स्कॉर्पियो। अगर आज का हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।